भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन अस्वस्थ हो गए हैं। इनका इलाज इंदौर के निजी अस्पताल में चल रहा है। भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन उत्तर के विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इंदौर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं उनके फेफड़ों में संक्रमण बना हुआ है, हालांकि उनका स्वास्थ्य अभी ठीक बताया जा रहा है। उज्जैन उत्तर के विधायक और पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, और जब जनता के बीच में रहते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका संपर्क कई लोगों से रोज का होता है। कुछ दिनों से थोड़ा सा असहज सा महसूस कर रहे थे एक स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उन्होंने एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें बाबा महाकाल कृपा से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पर चेस्ट में थोड़ा सा कंजेक्शन होने के कारण, कफ कंजेक्शन होने के कारण उनको थोड़ा वो एक रूटीन चेकअप करवाने के लिए इंदौर गए हैं, और एक दो दिन में बाबा महाकाल कृपा से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटेंगे और पुनः अपने कार्यक्षेत्र में कार्य के लिए लगेंगे।